हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ मैं। अब बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो आज की होने वाली है। तो आज फ्रेंड्स, मैं फटे पुराने कपड़ों से बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बनाने वाली हूँ कुछ, और क्या बनाने वाली वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या बनाया है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखे फ्रेंड्स, कपड़े ले लिए हैं। इस तरह के कपड़े हैं, कुछ मेरे बच्चों के कपड़े हैं और कुछ मेरी कुछ पजामियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़े लिए हैं ना, वो सारे के सारे कपड़े जो हैं वो स्ट्रेचेबल जो होते हैं वो कपड़े हैं। जैसे इस तरह की देखिए टी शर्ट वगैरह होती है, बड़ों की हो या चाहे बच्चों की हो, या फिर किसी तरह का भी जो है यहाँ पे पजामा लोअर इस तरीके का हो देखिए, तो उस कपड़े को हमें यहाँ पे लेना है। और अक्सर ये जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको जो है फेंक देते हैं या फिर पोछाई बना लेते हैं। तो अभी मैं जो आइडिया बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, और आप इसको देखने के बाद कभी भी फेंकोगे नहीं अपने इस जो है इस तरह के जो कपड़े होते हैं। तो ये देखिए, इन सबको मैं अच्छे से पहले यहाँ पे देखिए रखी हूँ, तो कट कर लूँगी। तो हमें यहाँ पे 1 से 1.5 इंच की पट्टियाँ कट करनी है इस तरीके से। देखिए, अपने हिसाब से यहाँ पे चौड़ा रख सकते हैं। वैसे जो इसका मेजरमेंट है वो 1 से 1.5 इंच का बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे पट्टी कट कर ली है और इनको इस तरीके से खींच देंगे ना, तो ये देखिए इस तरह की एक रस्सी सी बन जाएगी ये। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, इसी तरीके से हमें पट्टियाँ कट करनी है और इस तरीके से देखिए खींचते जाना है। तो काफ़ी अच्छी से देखिए ये पट्टियाँ बन जाएंगी हमारी, डोरियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये वाला जो काम है आपको देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो आप धूप में बैठ करके आराम से सारे काम कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर बना के नोट लगा के रखे हुए हैं, और अभी मैं इनको कट करूँगी 2 से 3 इंच के आसपास। मैं यहाँ पे 3 इंच के आसपास रखूँगी मैं, देखिए 3.75 के आसपास मेरा हो रहा था ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। मिनिमम इसका जो है 3.5-3 के आसपास रखना है आपको इस तरीके से, देखिए, और इस तरीके से कट कर लेना है सबको। तो एक साथ में देखिए कितनी सारी ये कट हो जाती हैं, काफ़ी सारी जो है पट्टी एक साथ में जो है कट हो जाती है यहाँ पर डोरियाँ जो हमने बनाई हैं। तो मेरे पास जितने भी कलरफुल कपड़े थे ना, मैंने सारे के सारे ले लिए हैं यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे 2 या 3 कलर का भी बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने लास्ट टाइम बनाया था 2 कलर का, और उसका वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। पिछले साल मैंने बनाया था, इस साल मैं बनाने वाली हूँ मिक्स कलर का। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे के सारे कलर ले लिए हैं, ये देखिए। तो अभी हमें इनको इस तरीके से रखना है 2-3-2-3 करके, और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सिलाई मशीन पर बताती हूँ, ये देखिए इस तरीके से इसको रखते जाना है, और इस तरीके से देखिए पुश करते जाएंगे, वो एक लड़ी जैसा बन जाएगा एकदम। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कपड़े पे भी आप इसको सिल सकते हो, बट इस तरीके से करने से ना बहुत ज़्यादा जल्दी जो है काम हो जाता है और बहुत इजी होता है करना, कपड़े पे लगाना बहुत ईजी होता है, ये देखिए। तो आप चाहो तो कपड़े पे डायरेक्ट सिल दो इसको, और आप जो भी बना रहे हो प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ, मुझे इसी तरीके से इजी लगता है करना। तो मैं सारे के सारे जितने भी हमारे कपड़े हैं यहाँ पे जिनके हमने डोरियाँ बनाई हैं, सबको इसी तरह से सिल लूँगी मैं, और एक बड़ी सी जो है लड़ी बना लूँगी। तो अलग अलग ही मैं सिलूँगी यहाँ पर, ये देखिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर कर लिए हैं तैयार। ये देखिए जितने भी मैंने कलर लिए थे सबको मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, ये देखिए सारे के सारे। तो आप चाहो तो इनको जो है अभी सिल सकते हो, नहीं तो फिर आप जो है इनको आराम से रख करके जैसे कभी दिन कुछ कर लिया कभी दिन कुछ कर लिया, क्योंकि हमारा अगर हम कुछ काम वगैरह करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में हो पाएगा। मैंने भी ये 2 दिन के अंदर ही बनाया था। तो अभी मैंने यहाँ पर देखे एक जो है ले लिया है यहाँ पर मैंने अपने बेटे का निकट, तो इसको मैं नीचे नीचे से कट करूँगी। तो आपके पास कोई भी कपड़े का पैंट हो या जीन्स का पैंट हो या फिर कोई बेडशीट का जो है पीस पड़ा हो या फिर जो है कुर्ती वगैरह भी है, तो उसको आप डबल में लेयर में ले सकते हैं, ये देखिए थोड़ा थिकनेस बढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंगल ही लूँगी इसको, मोटा नहीं करना क्योंकि जीन्स है पहले से ही मोटा होता है। तो यहाँ पर सिलाई रख करके इस तरीके से रखेंगे हम इसको अच्छे से, और रखने के बाद यहाँ पे देखिए इसको हम कट कर लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। तो सिलाई के ऊपर सिलाई रखने से हमारा इसका जो मेजरमेंट है ना वो अच्छे से निकल के आ जाएगा, ये देख सकते हैं। तो अच्छे से हमारा चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ ही कट हो जाएगा, और फिर हम जो है इसको यूज़ में ले लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है एकदम फिनिशिंग के साथ कट हो गया है। और हमें यहाँ पे देखिए इनको सिल लेना है उल्टी साइड से रख के, इस तरीके से सीधी साइड नीचे की साइड थी देखिए, ऐसे सिल लिया है मैंने। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखिए इसी को इस तरीके से पलट के इसको सिलाई लगा सकते हो, या फिर चाहो तो कोई अलग पट्टी लेकर के, देखिए यहाँ सीधे साइड से पट्टी रखनी है हमें और फिर जो है उल्टे साइड में इसको फिनिश करना है इस तरीके से। तो ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है, देखिए पट्टी को ऊपर की साइड में मैंने क्यों फिनिश किया था, क्योंकि हम ऊपर की साइड से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो है नीचे की साइड हमें एकदम फ्रेश मिल जाएगी। तो अभी आप अगर अलग अलग कलर लगाना चाहते हो तो देखिए इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो फोल्ड कर करके। तो मेरे पास तो यहाँ पे मिक्स कलर हैं, तो ये देखिए मैं आधे में मिक्स कलर लगाऊंगी, आधे में कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से इनको देखिए साइड में करके फिर दूसरी लेयर लगानी है ऐसे, यहीं से साथ से बिल्कुल 1 से 1.5 इंच के करीब में यहाँ पे देखिए लगाएंगे हम इसको। आप चाहो तो ऐसे देखिए ऊपर से पूरा एक लगा सकते हो लंबा, और फिर इसके साथ दूसरा कलर तो इस तरीके से भी बना सकते हो, मैंने पिछले साल ऐसे ही बनाया था। और देखिए यहाँ पे मैंने 1 लेयर लगा ली है और इसे 1.5 इंच के करीब में या फिंगर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा इसकी दूरी नहीं रखनी है, अगर बहुत ज़्यादा दूर आप सिल दोगे तो इसमें जो है बहुत अच्छा लुक नहीं आएगा इसका। तो जब हम इसके पास से ही लगाएंगे तब जाके हमारा ऊपर से बहुत प्यारा बनेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर लगा ली हैं, लगभग हमारा डोरमेट जो है बन के एकदम तैयारी हो गया है। तो इसी तरीके से मैं सारी लगा लूँगी, और मेरी इसमें छोटे 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 8-10 कपड़े यूज़ हो गए थे। आप जितना छोटा बड़ा जैसे भी बनाओगे तो उसके हिसाब से आपके कपड़े यहाँ पे लग जाएंगे। तो आपके पास जितने कपड़े हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेजरमेंट रख सकते हो, और बड़ा सा कारपेट टाइप का भी बना सकते हो। तो देखिए मेरा एकदम पूरी तरह से सिल चुका है, और ये देखिए हमारी सीधी साइड इस तरीके से आई है फिनिशिंग के साथ। तो अभी हम इसको अच्छे से खोल लेंगे ऐसे करके, जो नीचे भी दबा होगा उसको देखिए अच्छे से खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, इसके जो भी एक्स्ट्रा है ना इस तरीके से निकला हुआ है ना, ये देखिए, तो इसको हम अच्छे से कट करके फिनिश कर देंगे तो हमारा बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा इस मैट का, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको जो है बड़े साइज में, छोटे साइज में, किसी भी साइज में बना करके आप अपने जो है घर में यूज़ कर सकते हैं। आप बेड के साइड में इसको बिछा करके, या फिर जो है डोरमेट की तरह वैसे आप जो है इसको वॉशरूम के आगे, या फिर जो है आप किचन में, पूजा रूम में, कहीं पे भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा बन के तैयार हो गया है। और देखिए साइडों से मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर दिया इसको, बहुत ही प्यारा लुक आया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।